दोस्तों सैमसंग का बजट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M10 आपको ध्यान ही होगा, काफ़ी पॉपुलर था। इसी का एक नया सक्सेसर बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M10S, जिसकी लीक सामने आ रही हैं और ये फ़ोन बहुत जल्दी ही आपको ऑनलाइन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। लगभग लगभग पूरी तरह कंफर्म स्पेसिफिकेशन ही इसको आप बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सैमसंग गैलेक्सी M10S के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको ग्लॉसी लुक में देखने को मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल ग्लास जैसा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी बॉडी पॉलीकार्बोनेट की बनी होगी। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.4 इंच का HD+ सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसमें ऊपर आपको छोटी सी वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इस फोन में आपको 3GB प्लस 32GB का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस फोन में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस फोन की मेमोरी को बढ़ा सकेंगे। साथ में आपको डुअल 4G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको सैमसंग का एक्जिनोस 7885 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन और UI की बात करें तो इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 9 Pie देखने को मिलेगा, जो कि Samsung के One UI पर रन करेगा। अब हम बात करते हैं इस फोन के कैमरास की। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। बैक कैमरे की बात करें तो इस फोन में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल और सेकंड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि डेप्थ सेंसर का होने वाला है। इस फोन में आपको वाइड 1L1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सभी टाइप के सेंसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इस फोन में बैक पैनल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इस फोन को फेस अनलॉक से भी अनलॉक कर पाएंगे। बैटरी लाइफ की बात करें तो इस फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसे आप 15W के चार्जर से सी टाइप के पोर्ट से चार्ज कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइसिंग की। तो ये स्मार्टफोन आपको 3GB प्लस 32GB वाला वेरियंट लगभग 8000 रुपये की प्राइस के आसपास देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है और उसके प्राइस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये स्मार्टफोन आपके हिसाब से अच्छा है या नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको अपने ओपिनियन। इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड है। 8000 रुपये की प्राइस में सुपर एमोलेड मिलना काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इस फ़ोन में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है एक्जिनोर 7885, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, जो कि बिल्कुल नया प्रोसेसर है। इस हिसाब से भी फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है ये। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की, तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको 15W का फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है, जो कि इतने सस्ते बजट फ़ोन में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये फ़ोन 8000 रुपये की प्राइस के साथ जितने भी स्पेसिफिकेशन दे रहा है, उस हिसाब से ये फ़ोन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।